नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। जैसा कि आप सभी ने सुना था, नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों के ऊपर जो कहा कि मुसलमान सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, साथ ही साथ उनका ये कहना था कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में उन्होंने बताया था कि देश के सारे संसाधन, देश की सारी संपत्ति मुस्लिमों को दे दी जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। इस वीडियो पर, इस बात पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। जी हाँ, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो बिल्कुल बानों की अस्मत रेजी किसने की? नरेंद्र मोदी बताओ। हमारी बेटी बिल्कुल बानो हामिला है, 3 साल की बेटी उसके साथ है, उसकी मां है, रिश्तेदार है। घर के पड़ोसियों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो अपने घर के पड़ोस में जो दुकान थी, उस दुकान से बिल्किस बानो ने चूड़ियां खरीदी। जिसने हमारी बेटी को चूड़ियां बेचा, उसने बिल्किस बानो की असमत रेजी की, 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी बताओ, किसकी दौलत लूटी गई? मेरी बेटी की, मेरी बहन की दौलत लूटी गई थी। आप मुख्यमंत्री थे, उसको इंसाफ गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में मिला। जेल को गए ये जालिम लोग, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, किसकी दौलत छीनी गई थी? भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। मर्कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और कर रहे नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत के इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें? किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो। जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था, तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी, कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री। अगर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं, अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं है। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदाद शुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम, हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदाद शुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं।
पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए, मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है, 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए, अरे कहां से आ रहे घुसपैठी, अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे, रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं, लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी। तो दोस्तों आप बताइए हमें कमेंट के माध्यम से इन दोनों वीडियो के बारे में, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी, दोनों पर बताइए हमें क्या सही है या फिर क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।